तीन तल्ला तीन गो है ना खाली वाटर तीन खाली है अभी हां हम भी नहीं जाएंगे चल जाएंगे तो खाली रहेगा चार खाली रहेगा अब कब हम चल जाएंगे आप तो दे अरे खाली आपको दो से ना है कि आपको कुछ लगा दो हम भाई एक तीन तक एक तारीख को उसको आज पूछ रहा कि बोले नहीं टिकटवा के लिए आते भी एक तारीख को बोले नहीं वो आपको पीछे हुए हैं वो ग्राहक बैठ आप वो उसको इतना ही नहीं आए अब जाने का बाहर जा रहे पीछे ने कितना दिन के लिए जाते हैं हम तो अभी एक सप्ताह के लिए जा रहे हैं ये तो आपको घूमने जाना है सर को और जाएंगे कुछ और जाएंगे इससे जो बताएंगे हाँ इस बार तो बताएंगे इस बार जाते हैं कभी कभार देखते हैं
हम कहा अपने एक तो खाया नहीं करेंगे, हम काफी काम लेते हैं। सुबह में जानते हैं ट्रांसफार्मर खूब जोर से आवाज किया था, आवाज किया और तुरंत लाइनों कट गया, तो हम सोचे एक तो टंकी खाली हो रहा है और लाइन नहीं आया, तब तो हो गया था। इसीलिए सबको हम बोलना चाहते हैं, हाँ वो मिश्रा जी पतिया रहा है, लेकिन अभी पूरा बंद हो गया, बंद हो गया, पूरा बंद हो गया। वही जैसा श्रीवास्तव जी खुला हुआ था नीचे से, वैसा उसका भी खुला हुआ था। मिश्रा जी नीचे मिश्रा जी गए ना और ताला टूटा ना, तो ताला टूटा तो चेक किए, ये भी तू पकड़ा, हमको तुरंत नजर आया था घुसते ही, तो हमको चुप करा दिए। चुप मिश्रा जी जान गए, तो मिश्रा जी टोटो के देखना शुरू कर दिए, तब पानी ठीक से लेवल नहीं देखा था, गया कहाँ पे उस टाइम जो है, और हम इसीलिए सचेत किए थे ना कि सुबह सुबह जो है खूब जोर से ट्रांसफार्मर का आवाज हुआ था और आवाज हुआ तुरंत लाइन कट गया, तो हमको लगा कि अब लाइनों आएगा कि नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा हम सचेत कर दिए कि हड़बड़ा कहीं पानी में पानी खत्म हो जाएगा। बार बोले आवाज जो सुन रहा है क्या, अभी तो पाइप से जो आवाज कर रहा था डॉक्टर घर में बंद के तो बंद हो गया ना, वही आवाज कर रहा था उस समय में जब गए थे बाथरूम। हाँ हाँ वही आवाज, तो रात में क्या था ना कि सब चीज माहौल साइलेंट रहता, साइलेंट रहता था, ज्यादा आवाज हो रहा था। हाँ हाँ ये बात होता, और लाइनों चलते भी हम ये सचेत किए, समझे। तुम तीन घंटा जो बोल रहे हो इसके बारे में हमको कंफ्यूजन होता है, तीन घंटा से चलाएगा सब मिला कर, और हर स्लो क्यों नहीं करेगा। हाँ तीन घंटा आज इतना कभी चल भी नहीं किया, वही तो पानी कभी नहीं चला, कहाँ चला जाएगा, जाता है तो संकेत में गिरता है पानी। अब कंटिन्यूस चलता नहीं है, कभी कंटिन्यूस कभी नहीं चलता, तीन घंटा से ही चलेगा। हाँ। हम एक बजे से स्टार्ट किया, तीन घंटा चला दिए, हम क्या है कि जो वहाँ पे नीचे में जो है ना ओवरफ्लो वाला जो पाइप, वो छोटा सा छेद है उसमें से ना एकदम ध्यान दे के सुनना पड़ जाता है, हल्का थोड़ा सा निकला ना पाइप तुरंत बंद कीजिए, अगर आप 10 सेकंड भी डिले कर देते हैं तो पूरा रोड तक बहना शुरू कर देगा, 10 सेकंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए वहाँ से मच्छरों काटता है तो वहाँ पर एकदम सुनना पड़ता है, और ज़्यादा देर तक हमारा खाने का मतलब है ओवरफ्लो नहीं कराएंगे, क्यों तो सुनेंगे, हम बड़ी देर करके हम एक घंटा चला देंगे, बंद कर देंगे, उसके बाद देखेंगे लेवल पानी का, तभी हम कुछ करेंगे, नहीं जाओ ऊपर छोड़ दो पानी अभी, फिर एक घंटा चला करके वो तुम समझ रहे हैं, लेकिन जब कभी कभार लाइट का प्रॉब्लम होता है ना तो उस तरह से रात में हम देखने नहीं आते, नहीं रात में मत जाते, रात में जैसे कि जब भी देखना है दिन में ही देखने, कभी कभार ऐसा होता है जब लाइट का ज्यादा प्रॉब्लम है और रात हो गया तो रात में हम टंकी उंकी देखने नहीं जाते, नहीं जाना भी नहीं है चाहिए, अकेले तुमको रात के समय में कभी नहीं जाना, तब क्या करें, तब वही हम और जब टंकी देखने के लिए जाओ ना, एक आदमी को कम से कम बता दो
हम टंकी देखने इधर पंखा तो चलाइएगा नहीं ना किसी भी जो मिले ना स्टार्ट पंखा इधर चलाइए ना वही है कि वो जिस रफ्तार में गिर रहा था तो हमको लगा कि बहुत जल्दी टंकी खाली कर देगा। उनको जो रफ्तार में गिर रहा था पानी जो वहाँ पर दब गया है। एक बार सोचे कि आपसे पूछ करते पूछ लेते और कहीं वाल्व बंद कर देते। ये होता है कि सुबह सुबह सब आदमी बाथरूम में गया बल्ब बंद कर देंगे दिक्कत हो जाएगी सुबह सुबह में। चार नंबर का बल्ब खाली बंद कर सकते इस साइड बाकी तो किसी का बंद नहीं कर सकते बाकी सब तो काम कर ही रहा है साइड में चार नंबर का घर तुम बंद कर सकते हो और तो उधर तो श्रीवस्तवाइन का चेक हो गया मेन श्रीवस्तवाइन का पस्तौला के बारे में तुम देख ही लिए जाकर के होगा कि एक बार फिर जाकर के एक बार चेक कर लो कहीं से कोई लीकेज तुमको नहीं नजर आ रहा है उसके लेटरिन में देखे हो जैसा भी विकास के घर में देखे थे ना मास्टर बेडरूम में वैसा तुम देखे हो लेकिन में रकम उठा करके पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है तो ये तुम्हारा हाइब्रिड हाइब्रिड है हाँ ना ये रकम उठा के नहीं देखे सब सब कैसे पता चलेगा जब जाके पानी जाएगा पानी जल्दी खर्चा होगा ना तब बिजली जाते लाइन जाते लग जाए एक बार जा करके चेक करके आओ शराब साहब पानी को बगैर ठीक से पानी का कंडीशन नहीं है तालाब देख लो ना तो उसको तो फ्री रहो और उधर से हम आते हैं ना देखते हैं अभी हम जा रहे गैस भरवा खाना बड़ा नहीं ठीक है गैस भरवा करता है